Welcome back, my dear friends. Today we shall study defense against pathogens in plants. मतलब प्लांट में जो डिफेंस सिस्टम आए डिजीज का पान के क्यों बचाए था एतरो वेल डेवलप्ड ना है जितरो ह्यूमन बीइंग्स में आए पर पोए बे ही पान के जेके पैथोजेनिक आए जेके डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स आए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए उनन की पान खा बचाए था ए क्यों बचाए था आज ऐसा ये स्टडी करना दे पहला तो ये डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस इन प्लांट्स प्लांट में पैथोजेंस के खिलाफ जो डिफेंडिंग सिस्टम आए डिफेंस सिस्टम आए वो क्यों आए पैथोजेंस पैथोजेंस शाइन असा ये समझो डिजीज काजिंग एजेंट्स माने डिजीज causing agents माना जगह disease cause करने plants तो आसान होगी शायद ना है pathogens ऐसे जगह disease cause कर आसान के pathogenic microorganisms ना दे तो disease causing जगह agents आए plants में वो three kinds आए पहले आए जो virus ऐ virus एक वो disease cause करे तो ऐ immediately पूरी दुनिया में वो मशहूर है टीएमवी प्लांट्स में जो को वायरस पैथोजन आए वो फिर उनकी चीज खास करे तो टोबैको मोज़ेक वायरस इन्हें ये फंजाई बिग डिजीज खास करे तो ऐ फंजाई के पाउडरी मिल्ड्यू डाउनी मिल्ड्यू उनका इलावा खूब सारा मतलब जगह फंजाई आए ना प्लांट्स में इलाही सारा डिजीज कास करता है उन्हें मां पाउडर ही मिल्ड्यू बे एक रो डिजीज आए जैसे जो डिजीज कादिंग एजेंट्स आए फंजा आया ये बैक्टीरिया बैक्टीरियल बे डिजीज आए प्लांट में आए उन्हें में साइट्रस कैंकर साइट्रस कैंकर से आए बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट्स हम तो ये शायद पैथोजेनिक आए जेके प्लांट में डिजीज का था कन केड़ा है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स वायरस टीएमवी टीएमवी टू बे को बहुत है एक वायरस डिजीज था काश कर फंजाया डाउनी मिल्ड्यू पाउडरी मिल्ड्यू इन खाना खोड़ सारी न्यूमर डिजीज बैक्टीरिया है साइटस के कैंकर आए या रिंगरोटा या फायर ब्लाइट था पोटैटो आए सब बैक्टीरिया तो ये शायद पैथोजेनिक आए पैथोजेन साइन हाँ इन्हें के प्लांट्स पाना के किन्हें इन्हें खाम बचाए तब पहले जो लाइन ऑफ डिफेंस आए तब से जो तो प्लांट से लाए उन्हें जो बाहर ना जो को लेयर आए आउटर मोस्ट बाउंड्री आए या सामने के सेल वाल चला रहे तब पहले लाइन ऑफ डिफेंस आए सेल वाल जगह पैथोजन साइन जगह डिजीज कास्ट करता उन्हें खाम ये समझो सेल वाल प्लांट्स के बचाएगा जो एपिडर्मल लेयर जो तो ये स्टेम आ स्टेम जो ये रूट जो या ये लीफ आ तो ये जो बाहर आ लेयर आए ना आसान है कि शायद ना एपिडर्मल लेयर तो ये बाहर जो लेयर शायद ये समझो तो पैथोजेंस का प्लांट्स के बचाए तो ये शायद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेल वॉल एपिडर्मल लेयर ये पहली लाइन ऑफ डिफेंस था प्लांट्स के ये पे हम बचाए था सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस था तो जे कदे सुनो पैथोजेंस इंटर थी वया अंदर पैथोजेंस इंटर थी वया ए वे शारीरिक इंटर था जे ही अगते ताए बताइना दे त पैथोजेंस वे जे क्या है जे डिजीज कादिंग एजेंट्स आइन की इंटर से दा वे जे इंटर थी वया त प्लांट्स में फाइटो अलेक्शन जिकरी एंटीबायोटिका फाइटो शायद एंटीबायोटिका तो जी वो डैमेज कास्ट करता वाउंड इंजरी के जरिए जरिए स्टोमेटा के जरिए पैथोजेंस अंदर क्रैश करे आया तो फाइटोअलेक्शंस इतनी एंटीबायोटिका जिका उनन के
डिस्ट्रॉय कंदी डिस्ट्रक्ट कंदी या उन जी जेका ग्रोथ आए ना उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के उन जी ग्रोथ के स्टॉप कंदी स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आई फाइटो एलेक्सेंस फाइटो मींस प्लांट्स एलेक्सेंस केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग वाउंड और इंजरी या जरे इंटरसीजन पैथोजेंस त ही फाइटो एलेक्सेंस हिकड़ी एंटीबायोटिक आहे जेका उन पैथोजेंस के छा कंदी डिस्ट्रॉय कंदी उन्हें के डैमेज उन्हें के तबाह डिस्ट्रक्ट करे छदी नी मारे छदी नी या गच में उन्हें नी का ग्रोथ आए उन्हें नी स्टॉप करे छदी नी उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शंस के स्टॉप करे छदी नी ई उन्हें के खत्म त ही वो लाइन ऑफ डिफेंस आए हाने दा तो ये की पैथोजेंस आन की इंटर था जे नी पैथोजेंस इंटर थ्रू रुको तो स्टोमेटा हाने जे इन में छाए ना त इन में होता है स्टोमेटा ये जे स्टेमा रूटा लीफा हिन में स्टोमेटा होता है हिन में स्टोमेटा होता है ए ही स्टोमेटा जरे ओपन थन था तो वायरस फजाय या बैक्टीरिया जे डिजीज कास करता वे हिन जे जरिए जे पैथोजेंस आए वे क्रॉस था करे जे जरे अंदर क्रॉस था करे छन त पोशाय फास्ट वाले से उन के डिस्ट्रॉय हो करे उन के तबाह करे तो छले त स्टोमेटा इन द स्टोमेटा दे जरिए इंटर तो ते पैथोजन पे वाउंड कदे कदे ता कट चीने ता ये कट चीने स्टेम के या इन के लीव्स के या रूट्स के त पोशाय वाउंड ए इंजरी जे काफी तो उन के जरिए ही पैथोजन इंटर थिना ए वे डिस्ट्रॉय करा पर जी ये शायन ये जी के मॉलिक्यूल्स हैं ना मॉलिक्यूल्स आप पैथोजेंस यानी इन इंजर्ड टिश्यूज आए जरे नेक्रोटिक लेयर्स हैं ये अलार ये समझो ना उनमें घिंटी वजह इंदा प्लांट सेल में घिंटी वजह इंदा ऐसे प्लांट सेल में ये अलार उस सब्सटेंस घिंटी वजह इंदा तो वो इशारा करने फाइट वाले सेंस एंटीबायोटिक वो चाइन था सिंथेसाइज था करने सिंथेसाइज करे उन्हें कि शायद पैथोजेंस के वो डिस्ट्रॉय था करे उन्हें के वो या जी करे डिस्ट्रॉय ने तो उन्हें जी का ग्रोथ है उन्हें के स्टॉप करना ऐ इन ये वो बचाए था तो पैथोजेन के क्या है था मिस्टर थे वो स्टोमेटा के जरिए वाउंड या इंजरी के जरिए इंटर थी था ने ऐ जी इंटर थी था ने ना तो अलार्म सबस्टेंसेस तो वो यूज था कर प्लांट्स में भी जी वाउंड इंजरी थी पैथोजेन से इंटर थी तो एक लोग घर चीज़ में दी अलार्म सबस्टेंस दी आई वाउंड या जगह इंजर्ड टिश्यू ना है अलार्म सबस्टेंस दाए इन उन्हें के शायद कर उन्हें के इन ये सब जो तो हेल्प ताकर तो सिंथेसाइज फाइटोएलेक्शंस या उन्हें में एक रात या भी केमिकल स्टार्ट आ जगह उन्हें के प्रोटेक्ट करना डिफेंड करना तो ही खास करे इलाही सारा पैथोजेन आए जगह प्लांट्स में डिजीज कास्ट करना इलाही बैक्टीरियल फंगल ए वायरल डिजीज आए प्लांट में ए वे प्लांट पाने के पैर किदा डिफेंड कर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो सेल वॉल आए एपिडर्मल लेयर आए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से आए केमिकल्स एंटीबायोटिक सिंथेसाइज करना जो फाइटो एलेक्सिन एक एंटीबायोटिक का व्हिच इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कदी ए वे स्टोमेटा ए इंजर्ड टिश्यू या वाउंड एरिया उन्हें मिलता था तो ही इतने डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस इन प्लांट्स जो लेक्चर आए वो पूरा थे मां समझ आता है कि समझ मच गई हो इन वीडियो के लाइक कियो कमेंट कियो शेयर कियो और मुझे चैनल के सब्सक्राइब कियो थैंक यू वेरी मच।